अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन आलू करी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो ये हैं। तेल तकरीबन हाफ कप, ओनियन, ड्राई ओनियन मैंने लिया है, ये एक बड़ा वाला बन जाता है इसका। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, एक बड़ा वाला आलू मैंने लिया है, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है, आप इसको दूसरी तरीके से भी काट सकते हैं। चिलीज़ मैंने ली हैं, लौंग, करी पत्ता, ब्लैक कार्डिमन, ग्रीन कार्डिमन और ज़ीरा, इन सब मसालों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे रेड चिली पाउडर, ट्यूमरिक, पेपरिका और गरम मसाला, साल्ट। यहाँ पे मैंने 3 टमाटो का पेस्ट बना लिया है और एक बड़े वाला चिकन। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है इसमें, अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी डाल दूंगी, ये टमाटो पेस्ट बनाया था, और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लूंगी। जब तक टमाटर अपना पानी ना सुखा ले हमें इसको भूनना है। यहाँ पे टमाटर का पानी सूख चुका है, अब मैं इसमें जितने स्पाइसेस थे वो डाल दूँगी। ये मैंने सारे स्पाइसेस जो थे वो ग्राइंड कर लिए थे, साल्ट, पेपरिका, रेड चिली, ट्यूमरिक और गरम मसाला, ये सब मैंने 1 टीस्पून ली है। ट्यूमरिक मैंने 2 टीस्पून ली है, इसमें डाल दूँगी। अब इसको मिक्स कर दूँगी। वन चिकन है, मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक डाला। अब यहाँ पे मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। और इसको अच्छी तरीके से भून लूंगी। साथ ही मैं इसके जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दूंगी। को भी साथ में भून लूँगी। 2 मिनट तक मैंने इसे हल्की आंच पे भून लिया। अब मैं इसमें फ्राइड ऑनियन और ये चिली डाल दूँगी, इसको फिर मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने इसको 1 मिनट के लिए भून लिया था, अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। आलू मैंने पतले काटे हैं क्योंकि ये चिकन में जल्दी बन जाते हैं, जल्दी गल जाता है चिकन। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए मिक्स कर लूँगी। इसमें आलू को मैंने इसमें अच्छी तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें, क्योंकि फ्रेश धनिया नहीं है मेरे पास, मैंने फ्रोज़न ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ, इसको मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल के मिक्स कर लूँगी। पानी डालने के बाद जब इसमें इस तरह से बबल आ गए, अब मैं इसको हल्की आँच पर 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें, 15 मिनट के बाद इसने तेल छोड़ दिया है सारा, बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। रेडी हो चुका है, इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, आई होप आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching my video.